उत्तराखंड में बीजेपी के नेता इन दिनों अपने काम के लिए कम, कारनामों के लिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रदीप बत्रा पुलिसकर्मियों से लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों की गलती बस ये थी कि वो विधायक से मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। मास्क न पहनने पर पुलिसकर्मियों ने विधायक का चालान किया तो वो भड़क गए। वहीं सोशल मीडिया में एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें विधायक पैसे फेंक कर जा रहे हैं और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। घटना मसूरी की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा परिवार संग मसूरी घूमने आए हुए थे। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है, घूमना अलाउड नहीं है। 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे सुनो भाई साहब, फाइव हंड्रेड का होगा तभी तो जाओ। क्या नाम आपका? आपको बता दें उत्तराखंड में इन दिनों कोविड कर्फ्यू लगा है। सरकार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है लेकिन सरकार के अपने ही विधायक मसूरी की माल रोड पर बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने प्रदीप बत्रा को बिना मास्क के देखा तो उन्होंने विधायक को टोक दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें मास्क पहनने की नसीहत दी तो वो लड़ने लगे, लेकिन नियम तो नियम है। ऐसे में मसूरी पुलिस ने विधायक का चालान काट दिया। पुलिस ने बताया कि रविवार को विधायक प्रदीप बत्रा परिवार के साथ मसूरी घूमने आए थे। परिवार वालों ने मास्क पहना हुआ था लेकिन प्रदीप बत्रा बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, जिस पर विधायक का 500 रुपए का चालान किया गया। वहीं मामले को लेकर प्रदीप बत्रा का कहना है कि मैं आम आदमी की तरह मसूरी में घूम रहा था, वहां एक पुलिसकर्मी लोगों से बदसलूकी करते दिखे तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसके बाद मैं होटल चला गया। उसने मेरा चालान काटा या नहीं मुझे इस बात की जानकारी नहीं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रीना गोयल गिरफ्तार की गई थी। उन पर कोरोना से जान गंवाने वाले दंपति की संपत्ति कब्जाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।